सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के पाकी रोड श्री रामपथ निवासी एक मादक पदार्थ कारोबारी सौरभ सलंकी को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने एक पेशेवर तस्कर सुदना अघोर आश्रम स्थित शांति देवी के घर छापेमारी की, जिसमें पुलिस द्वारा नगद 90,780 रुपये के अलावे 15 लीटर महुआ शराब तथा ड्रग्स पुड़िया बनाने की कागज के टुकड़े बरामद किए गए हैं। बरामद रुपए जांच में ब्राउन शुगर बिक्री का पाया गया है। वहीं छापेमारी की भनक मिलते ही अपने आलिशान भवन के पीछे खिड़की में बने गुप्त दरवाजे से तस्कर शांति देवी भाग निकलने में कामयाब रही। पूरे अभियान का नेतृत्व एसटीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने किया। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सौरभ सोलंकी हेरोइन का नशेड़ी था, जिसके पास से दो पुड़िया पुलिस के हाथ लगे है। सौरभ ने अपना जुर्म कबूल किया है, जबकि तस्कर शांति देवी की बेटी गुड्डी उर्फ गुड़िया तथा हॉस्पिटल चौक निवासी उमेश राम उर्फ अंटू को खरीद बिक्री करते रंगे हाथों दबोचा गया। एसटीपीओ ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। क्षेत्र के अघोर आश्रम के पीछे नदी किनारे हम लोग एक घर पर रेड किए थे और रेड के क्रम में हीरोइन और करीब 90,000 रुपया और ब्राउन शुगर जैसा कुछ पदार्थ और कुछ शराब पैकेट सब्जुक्त के घर से बरामद हुआ था। वो घर शांति देवी का था, जहाँ पे दो और नशा करने वाले लोग भी वहाँ पे थे, जिसको भी हम लोगों ने पकड़ा। और जो शांति देवी है वो हैबिचुअल सप्लायर भी है और स्टॉक रखती हैं, और जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो वहाँ पे वो ड्रग्स का सप्लाई भी करती हैं। तो हम लोगों ने अभी दो तीन अभियुक्त को पकड़ा है इसमें, जिसको कि हम लोग भेज रहे हैं न्यायिक हिरासत में, और एक अभी शांति देवी फरार है, उसके लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ये कहाँ से ये हम लोग खरीद कर रहे हैं? अभी जैसे हम लोग को पता चला है अभी तक में कि ये लोग गढ़वा और बिहार के डेहरी वन सोन से माल खरीदते थे, ये ब्राउन शुगर का। हम लोग उसके भी रेट कर रहे हैं, वहाँ भी पकड़ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे ही मिलता है तो आपको बता दें।